जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, में मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इस ब्रज 84 कोस की जो यात्रा कर रहे हैं, ये बागीश महाराज जी के नेतृत्व में हो रही है। कांकरौली वाली परिक्रमा इसको लोग कहते हैं, और इसमें 10,000 लोग एक साथ चल रहे हैं। कुछ पैदल यात्रा कर रहे हैं तो कुछ वाहनों के माध्यम से कर रहे हैं। तो आज हम आपको श्री कृष्ण जी के नानी के घर पर लेकर चलते हैं और कराते हैं वहाँ की अद्भुत कथा के दर्शन आपको। एक तो ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये हैं नरसिंह देव जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन। यहीं पर नरसिंह कुंड है और ये गांव दिदावली में स्थित है। अब जो गांव दिदावली है, वो है गांव श्री कृष्ण जी की नानी का गांव। तो आज हम आपको श्री कृष्ण जी के नानी के यहां पर लेकर आए हैं और आपको यहां के अद्भुत दर्शन कराते हैं। बड़े ही ध्यान पूर्वक प्रेम से सुने, क्योंकि आपने हमें काफ़ी प्रेम दिया है। लाखों लोग हमें कमेंट कर रहे हैं, इस यात्रा को कर रहे हैं, इस मानसिक यात्रा को कर रहे हैं। इस मानसिक यात्रा को अगर आप घर पर करते हैं, आप बीमार हैं, लाचार हैं या फिर नहीं आ सकते हैं, तो इसका संपूर्ण फल आपको मिल सकता है अगर आप इस यात्रा को देखें। तो इस यात्रा में जब इस दिदावली गांव में पहुंचते हैं, तो इस दिदावली गांव में मथुरा से गोवर्धन, गोवर्धन से डीग और डीग से कामा, कामा से पहले ही ये दिदावली गांव पड़ जाता है। यहीं पर श्री कृष्ण जी की नानी रहती हैं। तो जैसे आपने महाभारत में सुना था भीष्म पितामह, तो पिता के जो पिताजी होते हैं उसको पितामह कहते हैं। इसी तरीके से माता की जो माता होती हैं उसे पितामही कहते हैं। कृष्ण की जो माँ थी, जिन्होंने श्री कृष्ण जी का लालन किया, पालन किया, उनकी माँ थी बरियसी जी। और बरियसी जी किस तरीके से रहती थी, बरियसी जी का जो अंग था वो कांतीय कुष्मंधा जैसे था, और उनके जो बार थे वो केसर जैसे दिखाई देते, और वो हरे पता का मतलब होता है हरे रंग की साड़ी पहनती थीं। और ये जो बरियसी थीं, ये बड़ी ही विख्यात थीं। इनकी लंबाई भी बहुत कम थी, इनके जो बार थे वो बिल्कुल दूध जैसे सफ़ेद थे, और ये हमेशा प्रसन्न और बहुत ही खुश मिजाज में रहती थीं। तो जो कृष्ण जी की नानी थीं, वो श्री कृष्ण जी को बहुत ही प्रेम करती थीं, वो उनको बहुत ही प्रसन्नता से रखती। ये मेरा कृष्ण है, ये मेरा नाती है, इस बात को लेकर बरियसी जी को बहुत बड़ा गर्व था। और वो सोचती थीं कि कृष्ण मेरी बेटी का बेटा है, और इस बात से वो इतनी खुश होती थीं, उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे, हवा में ही रहती थीं। ऐसी बरियसी देवी जी के गांव के दर्शन करके ये जो माता बरियसी जी हैं, ये बड़े ही नम्र भाव की थीं। कृष्ण को जैसे ही ये देखती तो प्रसन्न हो जाती। यहीं पर पास में ही सकरसन कुंड है। इस गांव में जैसे ही हम अंदर घुसेंगे तो आपको सबसे पहले कुंड के ही दर्शन होते हैं। तो ऐसा महसूस करें कि हमारे कुल में एक ऐसा आदमी हुआ जिसने 84 कोस की परिक्रमा की, और 84 कोस की परिक्रमा करके गया, हमारे कुलों को भी तार दिया, पूरे परिवार को तार दिया, और वो जीवन में ऐसे इतिहास भी उन पर गर्व महसूस करे। इतिहास को भी गर्व महसूस होना चाहिए कि इन्होंने 84 कोस की परिक्रमा की। शास्त्रों में वेद व्यास जी ने लिखा है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें इस दुनिया में, चाहे लाखों करोड़ों रुपया आपके पास हो, याद रखना जो कल भूल जाएंगे, एक के बाद एक महान आदमी आए और चले गए। इस हजारों साल की प्रकृति में हम लोग 50 से 100 साल के मेहमान बनकर आए हैं, और सहस्त्र बाहु 10 भुजाओं वाला था, काल के प्रभाव से कोई नहीं बचा। लेकिन अगर भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो युगों युगों तक भक्ति की कीर्ति अमर हो जाती है।
इस प्रकार अगर कृष्ण जी की नानी बरियसी के प्रभाव से देखें तो जीवन में अभिमान तो हम सबको है, लेकिन हम सबको जीवन में अभिमान करना भी चाहिए, तो ये बरियसी जी की तरह करें, कृष्ण मेरी बेटी का बेटा है कि हमारे भगवान हैं, तो इस तरीके से हम खूब अभिमान करें कि कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरे भाई हैं, कृष्ण मेरे ईश्वर हैं, कृष्ण मेरे कर्ता हैं, कृष्ण मेरे हर्ता हैं, कृष्ण हैं तो मुझे कोई नहीं डगा सकता। जिस तरीके से हनुमान जी को अभिमान था कि मेरे श्री राम रघुनंदन हैं और मैं उनका दास हूँ, मैं उनका सेवक हूँ, दोनों तरफ से बहुत सुंदर सीख मिलती है कि भगवान का दास ये अभिमान होना चाहिए। दास बनने का अभिमान अगर आपके अंदर है तो आप बड़ी से बड़ी भक्ति भी कर सकते हैं, और जब ये बड़ी भक्ति है आपके पास तो आप खूब अभिमान से बोल सकते हैं कि मैं कृष्ण और श्री राम जी का मैं दास हूँ। लेकिन हरि के दास बनने से वो भक्ति हो जाएगी। तो जिस गांव में हम आज आपको लेकर आए हैं, ये है बरियसी जी का गांव। यहाँ पर नरसिंह देव जी के भगवान हैं। अब ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके का जाम लग जाता है। जहाँ पर भी ये यात्रा जाती है चारों तरफ से जाम ही जाम लग जाता है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं अभी ये परिक्रमा आदि से ज़्यादा परिक्रमा यहाँ से निकल चुकी है काम्य वन की तरफ, और यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी भी यहाँ पर कितना जाम है। वैसे इन रोडों पर ज़्यादा वाहन नहीं चलते हैं, केवल ये ही वाहन चल रहे हैं जो इस यात्रा को कर रहे हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं बरियसी जी के गाँव में दिदावली, और यहाँ से अगर हम सीधे चले जाते हैं तो हम सीधे पहुँच जाते हैं चारों धाम, जहाँ पर आदि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, नीलकंठ महादेव और कुरुक्षेत्र, इस तरीके के यहाँ पर अनेकों स्थान हैं। और यहाँ पर हर की पैड़ी, मनसा देवी और एक और अद्भुत वृक्ष है जिसमें हमारे जो महादेव हैं उनका पूरा परिवार है। तो इस तरीके की अनेकों लीलाएं हैं। वहीं पर एक देव सरोवर है। इन सब के वीडियो हमने पहले वीडियो बना रखे हैं, आप चाहें तो हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं। हमारे संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल पर आपको यहाँ की अनेकों लीलाएं मिल जाएंगी और अनेकों दर्शन भी मिलेंगे जो कि हमने पहले पिछली परिक्रमा में कराए हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बरियसी जी के गांव में, और यहां की अद्भुत महिमा को आप यहां इस यात्रा को कराने के लिए अनेकों पुरोहित, ब्रज 84 कोस के पुरोहित आए हुए हैं मथुरा से, तो उनके माध्यम से आप यहां की महत्वता को जानेंगे। वीडियो को आप अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और हमारे कमेंट में लिखकर जरूर भेजें ब्रज 84 कोस धाम की जय, ब्रज 84 कोस की जय और श्री कृष्ण जी की नगरी इस ब्रज धाम की जय, जय जय श्री राधे बांके बिहारी की जय। साथियों अभी हम आ रहे हैं दिदावली, और ये जो दिदावली है ये श्री कृष्ण जी की नानी का घर है, और ये जो नानी है श्री कृष्ण जी की, इनके घर के बिल्कुल पास में ही नरसिंह देव जी का मंदिर और नरसिंह देव कुंड है। तो इनकी जो नानी थी उनका नाम था बरियसी, तो ये बरियसी जी का ही गांव है। तो यहाँ ब्रज 84 कोस, ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा चल रही है, इसके यहाँ पर जो पुरोहित हैं मथुरा से आए हुए हैं, उनसे जानते हैं यहाँ की अद्भुत महिमा के बारे में, क्योंकि जो मंदिर के सेवायत जी हैं वो दर्शनों में बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनसे आपको अवगत नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन जो मथुरा के तीर्थ पुरोहित हैं उनसे आपको अवगत कराते हैं। सुंदर श्री हमने महारानी की जय। आज ब्रज यात्रा 2023 सभी भक्तजन, ब्रज भक्तजन जो कि ब्रज 84 कोस देवी परिक्रमा करने के लिए आया नहीं है, वो आए हैं बहुत ही उत्साह के साथ, उमंग के साथ में ब्रज यात्रा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी
लीला स्थली का आनंद ले रहे हैं और ठाकुर जी की बाल लीला स्थली का साक्षात और साक्षी बन रहे हैं और सभी तीर्थ यात्री बहुत आनंदित हैं। इस ब्रज यात्रा का जो पहला शुरुआत ब्रज यात्रा की श्री पुण्य तीर्थ विश्राम घाट से नियम लेके ब्रज यात्रा की शुरुआत जो कि बहुत ही प्राचीन पौराणिक है परंपरागत शुरुआत हुई मथुरा से मधुबन दर्शन किए सभी तीर्थ यात्रियों ने मधुबन से तालवन गए तालवन दर्शन दाऊ जी के दाऊ महाराज के वहाँ से कमोदवन कमोदवन से शांतनकुंड शांतनकुंड से जमनावता बहुलावन ये दर्शन करते हुए चंद्र सरोवर ऐठा पैठा गिरिराज महाराज की दंडवत करते हुए वहाँ से आगे आए हैं अपने डीग और डीग से आज मुकाम यहाँ पर रहेगा कामा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिदावली गांव में श्री नरसिंह भगवान नरसिंह देवी नरसिंह कुंड सामने ही यहाँ पर त्रंबकेश्वर महादेव जी का दर्शन है आगे जामनगर उसके दर्शन आएंगे बहुत पौराणिक बहुत सुंदर का मिलन दर्शन है बहुत ही सुंदर प्राचीन दर्शन है और इससे आगे आपके आदबद्री अलग गंगा वो भी अद्भुत और अद्भुत दर्शन है जो कि आप देख रहे होंगे भारतवर्ष से नहीं देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आए हैं इस ब्रज मंदिर में बहुत ही आनंद ले रहे हैं। इंद्रौली गांव इंद्रकूट जहाँ पे इंद्र ने आखिर उतरे हैं अपने इंद्र से अपने इंद्र पद से और साक्षात दंडवत करते हुए यहाँ से गिरिराज जी के लिए गए हैं और ठाकुर जी से क्षमा यात्रा दी है और इंद्र का मान भंग ठाकुर जी ने और यही ब्रज 84 कोस की लीला स्थली है। सभी भक्तजन बहुत ही प्रेम पूर्वक आनंद ले रहे हैं और सभी माथुर ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक और निष्ठा से और नियम पूर्वक यात्रा करा रहे हैं। ब्रज 84 ब्रज मंडल की जय। तो साथियों आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम करते हैं यहाँ से आगे की यात्रा और चलते हैं बूढ़े बद्रीनाथ जी के अद्भुत दर्शन कराने के लिए। राधे राधे बांके बिहारी लाल की जय। कमेंट में जरूर लिखें ब्रज 84 कोस धाम की जय। जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय।